हर हर महादेव। और हमें अभी नीड पड़ गई फास्ट एंड किट की, इससे पूरा ऑल इंडिया की है। आज अपना स्टे यहीं रहेगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी मैं हूँ लुधियाना में और 10:30 होने को आ गए हैं। रेडी होने में टाइम लग गया, इधर थोड़ा फैसिलिटीज इश्यूज है भाई, कभी गीजर नहीं चल रहा है, कभी मग्गा नहीं है। और अभी मैं हो चुका हूँ रेडी, और रेडी होके अभी नीचे से ब्रेकफास्ट करेंगे, एक दो चीजें चाहिए वो लुधियाना से बाय करते हैं और उसके बाद निकलते हैं। आज हम जम्मू के लिए लेट बहुत हो गए भाई, कल अपना स्टे यहाँ था और गाड़ी खड़ी है, गाड़ी लेके अभी निकलते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत आपका मेरे चैनल में न्यू ब्लॉग के साथ। अभी एक छोटा सा बच्चा आ गया था तो उसके साथ फोटो वोटो कराई है, तो दिन की शुरुआत काफी अच्छी हो गई है। ऐसे ऐसी शुरुआत हो जाए तो अच्छा लगता है। और अभी करीब 10:30 हो गए हैं तो कुछ खा पी के निकल जाते हैं लुधियाना से, तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में पता नहीं कहाँ क्या ऑप्शन मिलेंगे। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मुझे चाहिए मेरे मोबाइल का गार्ड टूट गया था। मैंने एक अंकल से गार्ड लगाने गया तो भाई अंकल से गार्ड लगा ही नहीं, तो अंकल बोले आगे कोई और स्टोर से लगा लो भैया, मेरे से लग नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है। उसके बाद मेरे को चाहिए था यार अपने बालों के लिए जो मैं वैक्स लगाता हूँ, वो भी नहीं मिल रही है कहीं। लुधियाना की मार्केट को क्लोज करके आ चुका हूँ मैं, तो अपने बर्गर किंग से लेते हैं, अपना बर्गर उठाते हैं, बैठ के भी खा सकते हो, ड्राइव थ्रू भी कर सकते हो। अपन ड्राइव थ्रू कर लेने हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ लेफ्ट में है स्टारबक्स और इस तरफ बर्गर किंग। अपना आज का मील तो भी कह सकते हैं कि अच्छा खा लिया, बर्गर खा लिया, फ्राइज खा ली थोड़ा गला भी खराब है, और एक बढ़िया सी कॉफी पी ली। अब बढ़िया एक्टिव हो गया हूँ मैं, और अभी निकलते हैं अपने आगे कश्मीर के लिए। आज थोड़ा तबीयत डाउन है, छींके आ रही है, गला खराब हो रहा है, और इतने ठंडे इलाके की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं, सोचने वाली बात है, उधर तो स्नो भी मिलेगी हमें। तो जी भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए हैं आगे जर्नी पे जाने से पहले। यहाँ पे सतलज नदी है, सतलज नदी क्रॉस की जस्ट हमने। यहाँ का टोल काफी कॉस्टली था, टोल लगभग 180 रुपए कटा है। कुछ कुछ जगह ना टोल इतने नजायज है ना, इतना नजायज रेट है जो कि नहीं होना चाहिए। भोलेनाथ की काफी बड़ी स्टेचू आई है दसुआ नाम की जगह पंजाब में, हर हर महादेव। जम्मू यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर आ जाएगा अभी, पठानकोट यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर है। और हमें अभी नीड पड़ गई फास्ट एंड किट की। भाई जुखाम सा हो गया, गला खराब है, कोई एंटीबायोटिक ले ही लेते हैं क्योंकि आगे बर्फ में जाना होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी में एनर्जी लो हो। अभी क्या कश्मीर में सीजन टाइम है तो वहाँ के रेट्स बहुत हाई होंगे रहने के लिए। रहने का स्टे यार पर डे का 2,000-3,000 हो जाएगा, तो थोड़ा सा टफ लगता है यार। 100 दिन सफर करना है यार, 2-3 लाख रुपए तो सिर्फ रहने रहने के लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जितना सस्ता हो पाता है ना उतना ही मैं करने की कोशिश करता हूँ। इस शहर की एक एक दुकान देखा है लेकिन मेरे को मेरे बालों और मस्टैच के लिए वैक्स नहीं मिली यार। पंजाब के मैंने इतने शहर देख लिए, कहीं भी नहीं है यार। बियर्डो वालों पंजाब में अपना कुछ खोलो तुम लोग पहले अपना। पठानकोट के पास हमें फिर से भगवान भोलेनाथ का स्टैचू देखने को मिला। इस रूट पे 3 मिल गए आज के दिन में। कौन सी जगह बाई की आगे बॉर्डर आ गया जम्मू वाला, 15 किलोमीटर बाद है, और हम यहाँ से करा रहे हैं टैंक फुल। अभी पंजाब ही है, पंजाब में सस्ता है, जम्मू में सस्ता है, जम्मू में सस्ता है। चल कोई नहीं डलवा लेते हैं, अब तो टैंक फुल करवा रहे हैं गाड़ी का। पंजाब के और जम्मू के तेल में 5 रुपए का फर्क है यार, बहुत बड़ी बात हो जाती है 5 रुपए का फर्क आना। पहाड़ी रास्ता भी शुरू हो गया है, यानी कि अभी हम जम्मू की तरफ निकल चुके हैं और पहाड़ी रास्ता आ गया बड़ा खूबसूरत सा। लुक एट द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन। पंजाब और J&K का बॉर्डर आ गया है भाई, ये महाराजा गुलाब सिंह का स्टेचू बना हुआ है इस तरफ आप देख सकते हैं। चल जा भाई, तू चल जा, मैं बाद से चल जाऊंगा, कोई नहीं, धक्का ही है नहीं रही। और पंजाब से भी J&K में आ गए हैं, भी इंडिया के बाकी कोनों में भी हम जाएंगे। मैं पंजाब और J&K के बॉर्डर पे, और यहाँ से कॉफी और 2 पकौड़े लिए हैं खाने के लिए, एक इवनिंग स्नैक्स। हम जहाँ रुके हैं यहाँ का फूड इतना ज्यादा सही रेट है ना, सिर्फ 20 रुपए की कॉफी पीने को मिली। और इनके फादर साहब ये है जिन्होंने इस बाइक से, ये कौन सी यामा है, ये यामा RX 100, इससे पूरा ऑल इंडिया किया है 1998 में। अरे वाह भाई गजब, इससे रिकॉर्ड बनाया 56 पास 5,500 किलोमीटर। अरे भाई गजब, और अभी स्प्लेंडर से बनाया है। अरे उमलिंगला किया लास्ट है ना, शानदार, ये पिछले साल ही किया है। अरे 56 नहीं भाई, मानना पड़ेगा 56 साल की उम्र में इतनी ऊंचाई पे जाना बहुत टफ होता है। आपको पापा से कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिली? हमें तो
नहीं 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 मैं खुद सोलो किया था पिछले साल। अपना रॉयल एनफील्ड से पूरा लद्दाख वद्दाख पूरा सर्किट कर गया था, लेकिन इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी इससे करने निकले हैं ऑल इंडिया। हमने बॉर्डर क्रॉस किया, यहाँ कुछ नॉन बन गए अपने। मैंने पूछा जम्मू के आसपास का टूरिस्ट प्लेस, उन्होंने बोला माँ वैष्णो माता के मंदिर में जाओ। मैं कभी अपनी लाइफ में कभी केदारनाथ भी नहीं गया था, इस बार इस ट्रिप में पहली बार केदारनाथ गया, पहली बार बद्रीनाथ गया, और राफ्टिंग में मैंने फर्स्ट टाइम की ऋषिकेश में। झंस्कार भी देख लो, झंस्कार जो हमने कभी किया नहीं, मेरा हमेशा से ड्रीम था कश्मीर जाऊंगा या नहीं, मेरा कोई भी प्लान नहीं था, एकदम से इंस्टेंट प्लान बनता है मैं निकलता हूँ। और ऐसे ही मैं कसोल से नीचे उतर के उस ढाबे पे जस्ट परौंठा खा रहा था और खाते खाते इंस्टेंट प्लान बना केदारनाथ का। यहाँ अपने को मिल गए हैं बजरंगबली के दर्शन। जय बजरंगबली, जय सिया राम। अभी मैं हूँ जम्मू हाईवे पे, जम्मू यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ट्रैफिक देखो यार कितना ज्यादा है, और मैं कब से ट्रैफिक के बीच में फंसा हूँ। पता नहीं क्या इश्यू है जम्मू में, एक तो जहाँ भी प्रॉपर्टी देख रहा हूँ ऑनलाइन वहां जाता हूँ, या तो रूम मिलता नहीं, या फुल बोलता है, या पैसे एक्सट्रीम मांग रहा है, कोई 3,000 बोलता है, कोई 3,500 बोल रहा है, कहीं गाड़ियों की पार्किंग नहीं है, तो कोई जगह रूम ही नहीं मिल रहा। अभी यहाँ इस प्रॉपर्टी पे आया था, सामने की साइड में जो प्रॉपर्टी है ये ऑनलाइन तो मिल रहा है, बुक करके आया हूँ, लेकिन अभी ये दे ही नहीं रहा बंदा। ये कहता भैया सब फुल है यार, बड़ा परेशान हो गए हमें जम्मू में तो स्टे मिला नहीं, तो शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी करके यहाँ अपने कोई नॉन रहते हैं, तो आज अपना स्टे यहीं रहेगा इधर शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी में। एवरीबॉडी आज मैं हूँ इस यूनिवर्सिटी में, यहीं अपना स्टे है, और इधर अपने कोई नॉन थे, फिर यहाँ पे बहुत लोग मिल गए मेरे को, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, तो बहुत बढ़िया लगा। हम सब ना एक हॉस्टल के कमरे में बैठ के इतनी बातें की, इतने हंसे। अभी रात के करीब 12:30 हो रहे हैं, अभी जस्ट आया हूँ क्योंकि मेरे को एडिटिंग करना था। बड़ा सही माहौल था, मतलब ये हॉस्टल वाली लाइफ मेरे को दोबारा जी के देखनी थी, और यहाँ जी ली आज मैंने, मेरे को वाकई बहुत अच्छा लगा। और अभी भी रात के 12:30 बजे भी कहीं गिटार से कोई म्यूजिक बजा रहा है, कहीं किसके रूम में गाने बज रहे हैं, कहीं कोई गाने बज रहे हैं, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पे रात है, मतलब प्रॉपरली मन लगा हुआ है। ये ऐसी जगह है ना भाई, एक बार बैचलरेट में अपना हॉस्टल में नहीं रहे तो कोई बैचलर तुम्हारे काम का नहीं है, तो ये चीजें जरूर करके देखें अपनी लाइफ में एक बार। हॉस्टल वाला कमरा हमने एक बार फिर से ले लिया है सिर्फ एक दिन के लिए, अभी बैठ के एडिटिंग करूंगा और कल निकलेंगे पहलगाम के लिए। सोचा तो पहलगाम का ही है, एक बार तो जब जम्मू में रूम नहीं मिले थे तो मैंने सोचा कि यार चलो छोड़ो निकलते हैं वापस घर के लिए। वो जम्मू में रूम का बहुत इश्यू है, मेरे को रस्ते मिले उन्होंने बोला था, एंड सिंगल बंदे को रूम नहीं मिलता पहले बार। दूसरा आपसे ओवर कॉस्ट करेंगे चीजों को, अब मैं अपनी गाड़ी को इतना दूर नहीं रोक सकता था, और एक जगह मुझे माहौल ही अच्छा नहीं लगा तो मैंने वहां पर रूम लिया नहीं, तो बहुत सारी चीजें हुई थी यार आज के दिन, बहुत सारी चीजें। और अभी सारे काम फिनिश हो गए हैं, सबसे बातें बातें करके आ गया हूँ, दिल में सेटिस्फेक्शन हो गया, और इस जगह पे बिल्कुल अपनापन लग रहा है। और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, टिल देन लव लाइफ, बाय बाय। और हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी के ज्यादा शॉट लिए नहीं क्योंकि हम बाहर के बंदे हैं, यहाँ के रह रहे हैं, तो ज्यादा शॉट मैंने यहाँ के दिखाए नहीं है। तो अभी के लिए गुड नाइट। Tennessee, I heard you got a new place.